शिवपुरी जिले के भोंदी थाना में पदस्थ एक महिला एसआई पर एक युवक को थाने में बंद कर मारपीट के आरोप लगे हैं। दरअसल युवक की बहन भाग गई थी, जिसे भोंदी थाना पुलिस ने दस्तयाब कर लिया था। युवक अपनी बहन से मिलने भोंदी थाने पहुंचा था, इसी दौरान वह संदिग्ध हालतों में घायल हो गया। बाद में युवक के परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें युवक घायल अवस्था में मिला। चूंकि युवक की बहन का केस एसआई प्रियंका परासर पर था, यही वजह रही कि परिजनों ने भोंदी थाने में पदस्थ एसआई प्रियंका परासर पर मारपीट के आरोप मढ़ दिए। जानकारी के अनुसार भोंदी थाना क्षेत्र ढला गांव की रहने वाली एक विवाहिता अपने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी ससुराल से लापता हो गई थी। भोंदी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने विवाहिता को दस्तयाब कर लिया। अपनी बहन से मिलने कछौवा निवासी नरेश लोधी थाने पहुंचा था। नरेश अपनी बहन को अपने घर ले जाने की बात कर रहा था, जबकि विवाहिता जाना नहीं चाहती थी। थाना पुलिस का कहना है कि जब विवाहिता अपने भाई नरेश के साथ घर चलने को राजी नहीं हुई तो नरेश सदमे में आ गया और गश्त खाकर नीचे गिर पड़ा। परिजनों का आरोप है कि नरेश के साथ मारपीट की है। युवक को घायल अवस्था में पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उसे शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरेश के साथ इतनी मारपीट की गई है कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा ही प्रियंका परासर का कहना है कि युवक के परिजनों के आरोप निराधार है, नरेश के साथ मारपीट नहीं की गई है। पुलिस वाली ने मारा प्रियंका परासर ने। अच्छा, कौन से थाने पे है? मोदी थाना। बहन इसके साथ जाना नहीं चाहती है, बल्कि का मामला दर्ज हुआ था। वो पहले से शादी शुदा है, वो अपने पति उसका मारता पीता था, गांजा पीता है, वो उससे प्रताड़ित थी बहुत ज्यादा, इसलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। ये इनको बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहते। अच्छा, उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं पुलिस पर, जिस तरह से पैसे के लेन देन को लेकर, इसमें आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने कोई ऐसे पैसे लिए नहीं, ना मारपीट की।